Any candidate who are going to fill up the form of UPSC 2024, there is an important update from the Supreme Court judgment. क्या बातें कही गई है उस जजमेंट में हम उसे जानेंगे, लेकिन आपको पता होगा यूपीएससी ने अभी रिसेंटली अपना 2024 का कैलेंडर जारी कर दिया है और उसमें जो एग्जामिनेशन है सिविल सर्विसेज प्रीलिम्स का वो 26th ऑफ मई को होने वाला है एंड अभी जो नोटिफिकेशन रिलीज होगी वो फेब में होगी, फेब 2024। लेकिन यहाँ पर जो मैं आपको ध्यान आकर्षित करने की बात कर रहा हूँ वो है सुप्रीम कोर्ट का अभी हाल में ही आया हुआ जजमेंट, और ये जजमेंट बड़ा ही इम्पॉर्टेंट है। इम्पॉर्टेंट इस एंगल से क्योंकि हर साल जब यूपीएससी एस्पिरेंट्स फॉर्म भरते हैं, अपना प्रीलिम्स फॉर्म भरते हैं, तो जो उसमें रिजर्वेशन कैटेगरी का जिन्हें लाभ उठाना है, चाहे वो EWS कैटेगरी के कैंडिडेट हो या फिर OBC या SC ST, तो उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, रिजर्वेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है। तो बहुत बार ऐसा ये होता है कि जब UPSC एस्पिरेंट फॉर्म भर रहे होते हैं तो वो ध्यान नहीं देते हैं कट ऑफ डेट के बारे में। ठीक है, कट ऑफ डेट है क्या उसे भी हम जानेंगे, लेकिन सबसे पहले आप जानिए कि जब आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं देयर इज़ ए नीड टू हैव ए प्रॉपर फॉर्मेट ऑफ द सर्टिफिकेट, एंड नॉट ओनली दैट द डेट दैट शुड बी प्रिस्क्राइब्ड शुड बी बिफोर द कट ऑफ डेट। तो कट ऑफ डेट बेसिकली वो डेट होती है जिस दिन आपका जो फॉर्म फिलअप करने की अंतिम तिथि होती है, वो है कट ऑफ डेट। तो यूपीएससी अपने नोटिफिकेशन में डिटेल इंस्ट्रक्शंस देती हैं रिगार्डिंग द रिजर्वेशन, एंड उस रिजर्वेशन से रिलेटेड जो भी इंस्ट्रक्शन है उसे केयरफुली पढ़ने की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें साफ साफ मेंशन होता है कि जो आप रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो जो फाइनेंशियल ईयर, जिस फाइनेंशियल ईयर का आपको सर्टिफिकेट बनाना है वो फाइनेंशियल ईयर क्या होगा, क्या वो फाइनेंशियल ईयर 2020-21 होगा या फिर 2022-23 होगा, क्या होगा, वो पूरा मेंशन करती है। तो जो भी सर्टिफिकेट बनाना होता है वो यूपीएससी के इस फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डेंस में बनाना पड़ता है, अदरवाइज आपका जो रिजर्वेशन बेनिफिट है वो रिजेक्ट हो जाएगा। और कुछ इसी प्रकार की घटना हुई आपके कुछ कैंडिडेट्स के बीच में और उसके कारण ही ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में गया था, और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ बोल दिया कि जो भी कैंडिडेट्स हैं, जो भी रिजर्वेशन का बेनिफिट लेना चाहते हैं अंडर द EWS कोटा, देर इज़ ए नीड कि उनका सर्टिफिकेट कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने EWS कोटा के बारे में बोला है, लेकिन ध्यान रहे चाहे वो आपका OBC कोटा हो या फिर अदर कैटेगरी के कोटा हो, जो कट ऑफ डेट होता है उससे पहले का ही रिजर्वेशन सर्टिफिकेट होना चाहिए, एज वेल एज जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट होना चाहिए दैट शुड बी इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट एज हाईलाइटेड बाय द UPSC इन इट्स नोटिफिकेशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा इसलिए कि हर बार बहुत सारे कैंडिडेट का कैंडिडेटर रिजेक्ट हो जाता है और उनका सेलेक्शन इवन होने में मुश्किल हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस टाइप ऑफ हर्डल्स। ओके, सो ध्यान रखना है कि इस प्रकार की गलती ना हो, जब आप नोटिफिकेशन आए तो ध्यान से पढ़ें उसमें फाइनेंशियल ईयर क्या मेंशन की गई है उसको ध्यान से रखना है, और ये भी सुनिश्चित करें कि आपका फॉर्म आने से पहले जो भी आप सर्टिफिकेट बनाना चाहते हैं वो आप बना के प्रिपेयर कर ले ताकि बाद में आपको दिक्कत ना हो। एंड अगर हम थोड़ा सा डिटेल की बात करें तो इस केस का जो नाम है वो बेसिकली आप देख सकते हैं यहाँ पर, दिव्या वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया और बिमलोक तिवारी वर्सेस UPSC, वेद प्रकाश वर्सेस UPSC, तो ये बेसिकली आपका केस टाइटल है। और इस केस के डिटेल में अगर हम जाएं, वैसे तो जाने की ज़रूरत नहीं है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, तो कुछ ऐसे कैंडिडेट्स थे जिन्होंने सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम 2022 को दिया था। तो हुआ ये था कि जब उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था तो EWS सर्टिफिकेट उन्होंने डाला था, लेकिन जब बाद में UPSC ने वेरीफाई किया इन सर्टिफिकेट को तो पता चला कि ये जो सर्टिफिकेट है वो कट ऑफ डेट के बाद का है। ओके, एज वेल एज देर आर सम इश्यूज। तो ये जो UPSC है आपका, इन्होंने क्या किया, एक्चुअली उन्होंने
जनरल कैटेगरी के अंतर्गत उन कैंडिडेट्स को ट्रीट किया। तो बाद में हुआ ये कि जो कैंडिडेट्स थे, कुछ कैंडिडेट्स, उन्होंने पटिशन फाइल किया सुप्रीम कोर्ट में, और फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, और बाद में आपका सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है जिसमें साफ साफ बोला जाता है एक्चुअली कि आपका जो रिजर्वेशन सर्टिफिकेट बनना चाहिए कट ऑफ डेट से पहले का होना चाहिए एंड टू बी इन द फॉर्मेट विच हैज़ बीन प्रिस्क्राइब्ड बाय द अथॉरिटी एंड हैज़ बीन मेंशन्ड इन द नोटिफिकेशन। तो ये सब गलती आपने नहीं करना है, ओके। एंड इसके लिए आपको ध्यानपूर्वक फॉर्म भरना है आने वाले समय में, अभी आपका फॉर्म रिलीज होने ही वाला है, ओके, जैसा कि नोटिफिकेशन में मेंशन कर दिया गया है। सो बाद में हर्डल्स ना हो, बाद में इस प्रकार की परेशानियां आप ना फेस करें, इसलिए पहले से क्लैरिटी रहनी चाहिए कि किस टाइप का रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, एज वेल एज क्या कट ऑफ डेट है, एज वेल एज आपका जो फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर वाला जो सेक्शन होता है नोटिफिकेशन में वो बड़ा ही छोटा सा मेंशन किया रहता है, और कभी कभी हम भूल जाते हैं उस नोटिफिकेशन को पढ़ना, तो वो बड़ी एक प्रकार से दिक्कत वाली बात हो सकती है। इसलिए नोटिफिकेशन आने के बाद आपको उसे स्थिर से पढ़ना है। मैं आपको उस नोटिफिकेशन के बारे में भी बताऊंगा, अगर वो नोटिफिकेशन रिलीज होता है, वो तो फॉर्म में यू रिलीज होगा, आई विल मेक ए डिटेल वीडियो ऑन दैट। सो फ्रेंड्स, होप यू अंडरस्टूड दिस कंसर्न। ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है, आपको समझना पड़ेगा। और अगर आपको ये इनिशिएटिव अच्छा लग रहा है, प्लीज डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर आवर चैनल, ओके। सो फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, ओके।